सब तो पहला तो मैं मीडिया वाले का धन्यवाद करदा कि जिन्होंने हमेशा ही मुलाजमान की सुनवाई सरकारां तक पहुँचाई है। और मैं तुहाडे चैनलों तो सीधी चेतावनी अमृतसर के मेयर करम सिंह रिंटू नूं दे रहा कि रिंटू जी ये अपने कान खोल लो, अखां बंद जिहड़ियां कीतियां उन्हां नूं खोल लो। अगर तुसी मुलाजम जथेबंदियों नाल टकराना चाहते जे, वाल्मीकि समाज के नाल टकराना चाहते जे, तो फिर साडी ताकत जथेबंदियों की तो समाज की ताकत अं तुम विखा देंगे। असी जे तुहानू घरों निकल तो मुश्किल ना कर दिती, दफ्तर आने मुश्किल ना कर दिती, तो यह भी जथेबंदियों ने तुसी पहली बार टकरा लिता वा। और अगर तुसी 800 बंदे की भर्ती ना की तो आने वाले समय की पता नहीं महीना दो महीने हड़ताल चले, जिसकी सारी जिम्मेवारी अगर शहर दे विच कोई महामारी फैलती है तो मेयर करम रिंटू की अपनी होगी। मैं सारयां नूं अपील करदा, सारे शहर निवासियों नूं उन्हां वल्लों और मुलाजम साथियों वल्लों कि रिंटू जी तुसीं 3.5 साल का जिहड़ा समय दिता वा, बड़े लॉलीपॉप दे के समय लंघाया, लेकिन हुण उह समय एंड तुहाडे समय का समय आ गया वा। अगर तुसीं मुलाजमां दीआं मंगां नूं जिहड़ा 72 घंटे ही दिता सारे समूह जथेबंदियों वल्लों उन्हां नूं अनदेखा किया, तेरे सिटे जिहड़े बड़े गंभीर होणगे। मैं मानयोग मंत्री साहब मुख्यमंत्री साहब नूं भी कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भी अपील करांगा कि मंत्री साहब सानूं इस तरह का मेयर नहीं चाहिए, इर को तुरंत अस्तीफा लिता जाए ता कि ना तो मुलाजमान प्रति सही वफादार निकलिया, ना ही अमृतसर के लोगों वास्ते, क्योंकि ये सीट दे इस बैठन के काबिल नहीं है, इनू मेयरशिप का पता नहीं है। लेकिन मेयर साहब तुहाडे तो पहला कई मेयर आए ने, चाहे वह किसी भी पार्टी के ही मेयर ओम प्रकाश सोनी जी जेडे इस मौजूदा मंत्री ने, मेयर श्वेत मलिक जी जेडे इस वेले राज्यसभा मैंबर ने, बख्शी राम अरोड़ा जी, सुनील दत्ती जी, इन्ने मेयर आए ने, उन्होंने कभी भी एक ना अपने मुलाजमान मंगा अनदेखी नहीं किया। जो तुसी करदे पे जे ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असी तुहानू खुली चेतावनी देने आ मेयर साहब, तुहाडे घर दे विच जिवें भगतावाल दे विच डंप लगा दा वा कूड़े का, सारे शहर का कूड़ा उत्थे हुंदा, ये कूड़ा भी तुहाडे दफ्तर के बाहर लाया जाएगा और तुहाडे घर के बाहर लाया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी अगर करोना की महामारी बीमारी कोई भयंकर फैलती है शहर के विच, उसकी सारी जिम्मेवारी मेयर नगर निगम अमृतसर की अपनी होगी। देखो जी, साढ़े 72 घंटे का नोटिस मान साढ़े प्रधान संजय खोसला जी और आटो वर्षा ने मिलकर दिता जी, समूह 6 यूनियन ने, ये नोटिस असी देना नहीं चाहते। सानू बार बार माणयोग मेयर साहब वालों सानू मजबूर किया जाता वा नोटिस देने, कोई ना कोई तुखनी मुलाजमान प्रति छेड़ देंगे ने मेयर साहब, तुखनी छेड़ के आप सैड से होकर राजनीति कराते हैं। हुण भी एक सेंटर इंस्पैक्टर एक मोहरा बना के इस्तेमाल किया जा रहा वा, सेंटर इंस्पैक्टर का कोई रोल नहीं है। साड़ी लड़ाई जी शासन के प्रशासन के नाल हैगी आ, मेयर साहब तो एक यूनियन नेता राजनीति में पखा के शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं। मैं मेयर साहब को कह देना चाहता भी मानयोग मेयर साहब, तुहानू सरदार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने तुहानू लोगों की सेवा लिए लाया वा, शहर के इंटोनफैक्चर लिए लाया वा, ताकि लोगों के नाल मुलाजमान के नाल राजनीति करने वास्ते नहीं लाया। खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह जी लोगों के विच रहिंदे ने करोना काल के हुंदिया सुंदिया भी, सारे MLA साहबान मंत्रीगण सारे लोगों के सड़कों के उतरेंदे ने, ते मेयर साहब सिर्फ मुलाजमान के पिछे पेदे ने। जो देखो मेयर साहब के मुलाजमान के नाल पंगा वा, ये अपनिया काले कारनामे छपाउण वास्ते मुलाजमान के उत्ते राजनीति करके लोगों का मुलाजमान का ध्यान डाइवर्ट करते हैं। ना नू माणयोग मेयर साहब बहुत वड्डे विकास के दावे कर रहे हैं, तो नाल दे नाल मैं कह देना चाहना माणयोग मेयर साहब तुम विकास के इन्ने दावे किए ने, शहर दियां अज भी सड़कां सारियां टुटियां पईयां ने, शहर का बुरा हाल आ, शहर का वाटर सप्लाई सीवरेज तुम कभी चैक कर गए जे, कभी तुम किसी लोगों को पूछा भी तेनों किसी चीज़ की समस्या वा, तुम कभी अपने उत्थे
अपने अपने अमृतसर नगर निगम के बह के कभी लोग दरबार लाया तुम कभी लोगों दी मुश्किलों नूं तुम सुनिया तुम हमेशा ही मुलाजमान के उत्ते राजनीति करन तुर पेंदे जे। मैं मानयोग मेयर साहब कह देना चाहना वा भी कारपोरेशन नगर निगम अमृतसर आडा एक परिवार असी एक परिवार का हिस्सा वा साडे परिवार च मतभेद हो सकते ने मगर साडियां आपसी रंजिशां नहीं हो सकदियां। कमिश्नर मैडम कोमल मित्तल भी वह भी साडे बॉस ने वह भी साडे नाल ने। मैडम कोमल मित्तल ते नाल दे नाल साडे समूह अफसर के उत्ते दबाव बना के मानयोग मेयर साहब वल्लों एक राजनीति की जा रही अमृतसर नगर निगम के उत्ते साडे जिहड़े अधिकारी ने जिहड़े साडे अफसर ने वह भी साडे परिवार का एक हिस्सा ने जिहड़े एक्सीएन ने एससी ने एसडीओ ने एमएचओ ने जिन्ना भी अमृतसर नगर निगम आ असी एक परिवार हाँ। मानयोग मेयर साहब सिर्फ 8 महीने रह गए हैं तो 8 महीनों के लोगों तो साडे वाल्मीकि समाज में तार तार करन ते लगे देने। मैं बेनती करना चाहना वा मानयोग मुख्यमंत्री सरदार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भी कैप्टन साहब साडे वाल्मीकि समाज ने हमेशा ही तुहाडी रहन माई हेठ काम किया मुलाजमान ने किया वा मगर मानयोग मेयर साहब हमेशा ही साडे नाल राजनीति कारी गलो पा लेंदे आ। इन्हां ने अपने हाउस के जिहड़े जिहड़े मतियां दे मोहरां लाणी हुंदियां उह अपने ला लैंदे ने। जे अज हाउस के विपक्ष ना होवे ते मानयोग मेयर साहब इहो जिहे कारनामे करके दिखा देण जिहड़े लोगों ने सोचे भी नहीं गए। मैं कहना मेयर साहब जे साडे नाल जे 13 लाख लोग खलोते ने 13 लाख लोगों की जिम्मेवारी मुलाजमान ने चुकी है तुसीं नहीं चुकी। तुसीं 13 लाख लोगों की कभी सुध बुद्ध लिती है किसी की कभी किसी ने पूछा भी इंसान को किसी चीज़ की जरूरत है किसी लोग। मैं तो कहना तुहाडे 15 कदे दफ्तर ने तुत्ता ते लोगों को पता नहीं लगता तुसीं किहड़े दफ्तर बैठे जे। तुसीं लोगों दे विचरो मेयर साहब लोगों के बीच विचरो लोगों दे उतरो। जी मेयर साहब तुहाडी मंगा नहीं मंगते ते अगला कदम की होगा? गल मंगा दी नहीं गई गल बार बार भी मुलाजमत की राजनीति करन नूं रह गई है। रोज़ मेयर साहब ने पंगा मुलाजमान का क्यों? क्योंकि ये कारपोरेशन अमृतसर नगर निगम का तो लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। मेयर साहब ये इस टाइम उच्ची राजनीति से जाना चाहते हैं। मैं कहना मेयर साहब तुम मेयर की काबिल सीट के काबिल भी नहीं गए तुम इस्तीफा दे देना चाहिए अपनी सीट तो भी। मैं तो खुले चेतावनी दिना मेयर साहब तुहानू इस्तीफा भी दे देना चाहिए। कई आरोप गंभीर आरोप तुहाडे दे उत्ते लगदे किहड़ी तुहाडे उत्ते कमेटी बन गई आ। मैं बेनती करदा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं भी शहर दे विच आए दिन मेयर साहब के खिलाफ लोग बोलते हैं मीडिया जी सोशल मीडिया जी भी बोलते हैं प्रेस च भी देंदे ने कई गंभीर आरोप मानयोग मेयर साहब ते लगदे ने इहनां दे उत्ते कार्रवाई की जाए। नाल दे नाल उत्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं एक बेनती करदे हाथ जोड़ के भी जिहड़े मुलाजम ने तुहाडे मुलाजम ने कैप्टन साहब तुहाडे एमएलए दे मुलाजम ने तुहाडे साडा समाज तुहाडा समाज है असीं तुहानूं हाथ जोड़ के बेनती करते हैं भी एक उच्च अधिकारी उच्च लेवल की एक कमेटी बना के साडी अमृतसर नगर निगम की पूरी कमेटी अमृतसर नगर निगम की एक पुष्टिकरण कराना चाहिए वा। एक नाल दे नाल कमेटी बना के एक पूरी दे पूरा इहदा सच बाहर लिआना चाहना आना चाहिए वा भी मुलाजम गलत ने जां मेयर गलत आ जां लोग गलत ने। ये अपनिया अछाइया बुराइयां छुपाने वास्ते मानयोग मेयर साहब कोई ना कोई मुलाजमान के नाल महीने बाद ड्रामा कर देंगे ने। मेयर साहब शहर का ख्याल रखो शहर के लोगों का ख्याल रखो शहर ने तुहानू वोटां दे के मेयर बनाया इस करके आ भी तुसीं उन्हां दा ख्याल रखो तुसीं मुलाजमान की राजनीति करी जांदे आ। धन्यवाद सारिआं नूं साडी खुली चेतावनी आ अमृतसर नगर निगम नूं भी साडी हड़ताल अज तों जारी हो गई आ। असीं सोमवार रणजीत एवन्यू दफ्तर नूं अपना बेस कैंप बनाउण जा रहे हां उत्थे पक्के किसानां वर्गों उत्थे पक्के टेंट ला के सारे दफ्तर नू नाल लैके सीवरमैन यूनियन नू लैके झाड़ू वाले नू लैके वाटर सप्लाई स्टील हेड नू लैके उत्थे पक्का मोर्चा डट ला के ते उत्थे पूरा काम बंद करा के ते उत्थे बैठा जाएगा। हुण साडी अज तो हड़ताल शुरू है ये अनथे सीमे की हड़ताल है जब तक साडियां मुख मंगा नहीं मनिया जांदियां। साडियां मुख मन्ना ने मंगा ने 195 सीवरमैन नू पक्का किया जाए तुरंत जिन्हां दा शोषण हो गया 5-6 सालों तो नाल दे नाल 46 करोना काल दे विच जिन्हां ने काम किया उन्हां मुलाजमान नू भर्ती किया जाए। नाल दे नाल 800 मुलाजम की भर्ती तुरंत की जाए फिर हड़ताल खुलेगी नहीं तो नहीं खुलेगी। तो नाल दे नाल साडी आपस च कोई वैर विरोध नहीं गा साडा आपस च कोई वैर विरोध नहीं गा ये राजनीति मेयर साहब जे कर रहे हैं तो मेयर साहब नूं ही